हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप की शेप जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनके फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, हल्के गैप्स फिंगर्स के बीच में नजर आ रहे हैं, और इनकी सूर्य फिंगर बृहस्पति फिंगर से ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, यह जो फिंगर है सूर्य फिंगर है, और अगर इसकी लेंथ को देखा जाए तो काफी अच्छी लेंथ में है, और यह फिंगर है बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर जो इस फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी क्रिएटिविटी को। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। आप देख सकते हैं इस फिंगर की लंबाई, उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी काफी अच्छा रहता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर में जरूर होती हैं। और अगर हम बात करें इनकी बृहस्पति फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर नजर आ रही है, बेशक हल्की सी शॉर्ट नजर आ रही है यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर का होना व्यक्ति को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और विजडम काफी अच्छी रहती है। सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव शनि माउंट की तरफ होता हुआ देखा जा सकता है। अब देख सकते हैं इस साइड से यह फिंगर हल्का सा झुकती हुई नजर आ रही है शनि फिंगर की तरफ, जो इंडिकेट करती है थोड़ी आइसोलेशन वाली फीलिंग को, थोड़ी वैराग्य की भावना को भी। और अगर देखा जाए इनकी जो सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्का उंगली कहते हैं, मर्करी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जो यहाँ पर काफी अच्छा योग माना जाता है। इस तरह की स्ट्रेट मर्करी फिंगर व्यक्ति को काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्वमेन देती है। ऐसे नेटिव जिनकी मर्करी फिंगर स्ट्रेट हो और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस तक पहुंच जाए काफी शार्प माइंडेड होते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस करने में भी काफी कैपेबल होते हैं, और इनके कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट रहते हैं जिनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी हो। और आप देख सकते हैं शनि फिंगर को, शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के रहते हैं, हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी होने की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की भी पा लेते हैं। एक हल्का गैप यहाँ पर नजर आ रहा है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, सूर्य और शनि फिंगर के बीच में, और कुछ हल्का सा गैप यहाँ पर इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में भी नजर आ रहा है, जो इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर देता है। और मेनली अगर फिंगर्स जो बेस फैलेंजेस यहाँ से सटी हुई हों तो ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में काफी सारा धन अकोमोलेट कर पाने में सक्षम रहते हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं हैं, इस तरह की बारीक आड़ी लाइंस को आप देख सकते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का होगा, और अपनी इसी नेचर की वजह से लाइफ में अपने खास फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ कई बार ऐसे नेटिव मनमुटाव भी कर बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है, एक काफी अच्छा आर्च बन रहा है, और सभी माउंट्स को यहाँ पर अच्छी स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं वन बाई वन सभी माउंट्स की तरफ, सभी माउंट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद सभी रेखाओं को भी। तो आप यह एरिया देख सकते हैं मरकरी का एरिया कहलाता है, काफी उभरा हुआ प्रोमिनेंट मरकरी माउंट, इसके साथ साथ एक लंबी मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं इस रेखा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से यह एक लंबी लाइन जो लगभग इस एरिया से शुरू होती है, बारीक लाइन है लेकिन मरकरी माउंट तक यह रेखा पहुंच रही है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्वमेन इनका रहने वाला है। ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकते हैं, और अगर
किसी तरह की जॉब में है तो उसमें भी इस तरह की मरकरी रेखा इन्हें काफी कामयाबी देती है, तो इस तरह की रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मरकरी माउंट प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, और इस माउंट पर कुछ खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, इस तरह की कुछ खड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपथी कहते हैं, हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह की लाइंस होने से व्यक्ति की नेचर सिंपथेटिक होती है, दूसरों की हेल्प करने वाला ऐसा नेटिव रहता है। और अगर यह रेखाएं लंबी हो तो ऐसे नेटिव सोशल वर्कर या मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। तो इस तरह की जो रुचि है इनकी लाइफ में रहने की संभावना रहेगी। आगे देखते हैं इनके सूर्य माउंट को। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट और इनके शनि माउंट दोनों पर ही इस तरह का एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को मूडी नेचर देता है। अगर यह कंप्लीट हो, कंप्लीट कब होगा, जब यह रेखा इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हो और अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना रही हो। यहां पर अधूरा गर्डल ऑफ वीनस है जिसकी वजह से यहां पर इसके थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी इन्हें देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी इस गर्डल ऑफ वीनस के रहते हैं। अगर कंप्लीट हो फिर तो काफी ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देता है, और इवन अनकंप्लीट होने पर भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव रहते हैं। पॉजिटिव प्रभावों में व्यक्ति की जो रुचि है वो आर्टिस्टिक चीजों में रहेगी, वीनस की जितनी भी चीजें हैं, इवन फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस अगर पार्शियल यहाँ पर मौजूद हो। आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा नेटिव काफी ज्यादा रुचि रखता है, और साथ ही साथ यह गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी देता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक से मूड अच्छा हो जाना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य माउंट की बात की जाए तो दबता हुआ सूर्य माउंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, एक हल्की सूर्य रेखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अब देख सकते हैं इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की एक हल्की सूर्य रेखा नजर आएगी, जिसकी वजह से लगभग यहां पर 40 के आसपास की एज से इन्हें काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डीप कट लाइन यह नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं की जा सकती। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। यह जो एरिया है शनि का एरिया है, फ्लैट एरिया, इसकी वजह से ऐसे नेटिव को काफी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, और ऐसा व्यक्ति अपनी हार्डवर्क की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। और अगर देखा जाए इनकी भाग्य रेखा को, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा किस तरह से इनके हाथ में चलती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा एक बार। भाग्य रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और साथ साथ एक और डबल होती हुई यह रेखा इस तरह की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और लंबी एक भाग्य रेखा अगर हाथ में हो, आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह की रेखा की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस ऐसी एक ही रेखा यहां तक पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ लकी रहता है, पूरी जिंदगी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब यह रेखा ब्रोकन हो या इस तरह से बीच में ओवरलैपिंग्स आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सक्सेस ऐसे नेटिव को भी मिलती है जिनके हाथ में यह रेखा मौजूद हो, बेशक ब्रोकन ही क्यों ना हो। लेकिन स्ट्रेट लाइन होने के केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, इस तरह के केस में व्यक्ति को अप्स एंड डाउन्स का सामना करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर भाग्य रेखा इन्हें अच्छे रिजल्ट्स देगी, और अगर देखा जाए तो 35 और 36 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहने वाली है। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। अब देख सकते हैं हल्का सा लो सेट है बृहस्पति माउंट, लेकिन उभरा हुआ, साथ ही साथ अंगूठे के ऊपर बुद्धाशाही का चिन्ह बनता हुआ, दोनों ही चिन्ह यहाँ पर इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, और लगभग 50s की एज के बाद काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहने की संभावना रहेगी। और आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को, हार्ट लाइन में थोड़ी सी ओवरलैपिंग नजर आ रही है मुझे कुछ इस एरिया में, यहां पर यह रेखा इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है, उसी तरह की एक ओवरलैपिंग मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन में भी नजर आ रही है। दोनों ही रेखाओं पर 50s के आसपास की एज में थोड़ी सी ओवरलैपिंग, जो यहाँ पर हेल्थ के लिए एक अच्छा चिन्ह नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 50s के आसपास की एज में चलकर। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे रेखाएं कंटिन्यू हो रही हैं जो यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि इनकी जो एज है
वो लंबी रहने वाली है, लगभग 80 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा सा अलर्ट और सतर्क रहना पड़ेगा अपने हार्ट की हेल्थ को लेकर, क्योंकि यह रेखाएं जो हैं यह कंटिन्यूअसली चेंज होती हैं। अगर यही हार्ट की लाइन बिल्कुल सिंगल लाइन में तब्दील हो जाती है तो आने वाली जो दिक्कत है वो टल जाएगी और लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से एक फॉर्मेशन बनाती हुई और आगे बढ़ती हुई, और इनकी लाइफ लाइन से दूरी बन रही है इनकी माइंड लाइन में। यहां पर इस तरह का गैप होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी होगा, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहेगी, और हठी स्वभाव होने की वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का नेचर, जिसकी वजह से कुछ खास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मनमुटाव होने की संभावना यहाँ पर काफी प्रबल हो जाती हैं। और लाइफ के बारे में बता ही चुका हूँ, लाइफ जो है 80 के आसपास रहने वाली है, लंबी माइंड की लाइन होने की वजह से माइंड इनका शार्प रहेगा और शुक्र माउंट इनका बहुत ज्यादा उभरा हुआ आप देख सकते हैं। वीनस माउंट का प्रोमिनेंट होना, उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, और लग्जरी चीजों पर, ऐश्वर्य की चीजों पर ऐसे व्यक्ति के जो खर्चे अधिक हो सकते हैं। गर्डल ऑफ वीनस का होना यहाँ पर इन्हें ऑपोजिट सेक्स के प्रति काफी ज्यादा आकर्षण देगा। उसी के साथ साथ अगर इनके चंद्र माउंट को देखा जाए तो चंद्र माउंट पर अपवर्ड जाने वाली काफी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं चंद्र माउंट से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की तरफ इशारा करती हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी ज्यादा रहती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हल्का सा फिश का सिंबल भी इनके केतु माउंट के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक चिन्ह यहाँ पर, यह जो एरिया रहता है केतु माउंट का एरिया होता है, अगर यहाँ पर फिश का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस काफी रहते हैं, सडन वेल्थ गेन्स और फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस भी यह चिन्ह काफी ज्यादा प्रबल कर देता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।